गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत अंतर प्रदेव जालिका के बारे में आज आपको बताया जाएगा। कल आपको लवक के बारे में बताया गया, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, जिसमें हरित लवक का फिगर बनाया गया था और उसकी संरचना कार्य के बारे में बताया गया। आज आपको एंडोप्लाज्मिक जालिका यानी अंतर प्रदेव जालिका के बारे में बताया जाएगा। देखिए, ये पतली पतली झिल्लियों से बनी हुई एक रचना होती है जो तीन प्रकार की रचनाएं होती हैं जिनसे ये बनती है। तो अब ये होती क्या है, तो इस प्रकार की है। इस प्रकार से ये प्लाज्मा लेमा होती है, सेल वॉल होती है। तो इस सेल वॉल के बाद ये नलिका के समान रचनाएं होती हैं जो केंद्रक को जोड़ती हैं। तो केंद्रक और सेल वॉल के बीच में जो रचना होती है इसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक जालिका। और ये एंडोप्लाज्मिक जालिका दो रूपों में होती है। कणिकामय जालिका और दूसरी सपाट अंतर प्रद्रव्य जालिका। इस तरीके से RER और SER ये दो प्रकार की होती हैं जो कोशिकाओं में पाई जाती है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है, ये कोशिका के अंदर विभिन्न अंगों के अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं इनके आवागमन में मदद करती है। ठीक है, इसके बाद ATP के संश्लेषण में बहुत बड़ा इसका योगदान रहता है। और इसमें क्योंकि ये राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम्स प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो इतनी जिसमें ये होते हैं, यानी जो केंद्र की ओर
जो केंद्र की ओर होंगे वो आर ई आर होंगे और जो कोर्स का भित्त की ओर होंगे वो एस ई आर। तो ये जो सपाट अंतःप्रकरण जालिका होती है ये लिपिड तथा स्त्राल का स्त्राव करते हैं और जो कणिकामय होती है ये राइबोसोम के कारण ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। और सबसे बड़ा ये है कि पूरे कोशिका को ये संतुलित और बैलेंस रखती है, बैलेंस पर सामंजस्य बना रहता है और एक प्रकार से ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। ये बहुत बड़ा काम है इनका। इसके साथ ही साथ अन्य रचनाएं, अन्य झिल्लियां जैसे केंद्रक झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, गाजी बाड़ी है आदि झिल्ली भी इसी के द्वारा से ये बनती है। और ये तीन प्रकार की रचनाओं से ये बनी होती है। एक तो होता है नंबर एक सिस्टर्नी, बेसिकल्स और नलिकाएं। इस प्रकार से ये तीन रचनाओं से मिलकर बनी होती हैं, सिस्टर्नी, बेसिकल्स और नलिकाएं। तो इस तरीके से ये प्रोटीन के संश्लेषण में शरीर को निश्चित कोशिका को निश्चित आकार देने में स्टेराइल और लिपिड के निर्माण में और ये उसी स्थान पर पाए। मैंने बताया आपसे कि जो केंद्रक की ओर होंगी वो कणिकामय होंगी और जो कोशिका भित्त की ओर होंगी वो ये इस तरह से आपको इंडिकेट कर दिया है, इससे आप इसको समझ जाए। अगला टॉपिक है गाजी काय या गाजी उपकरण। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और कैमिलियो गाजी ने 1898 में कैमिलियो गाजी ने इनकी खोज की थी और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल्स में ये पाई जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये झिल्लियों से बनी समांतर रचनाओं से बनी एक रचना होती है जो चपटी नलिकाओं से बनी होती है। वो चपटी नलिकाएं सिस्टर्नी, बेसिकल्स तथा वैकुल्स होती हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना होती है। और ये विभिन्न प्रकार का स्त्राव का निर्माण करती हैं
लाइसोसोम और विभिन्न प्रकार के वैकुल्स का निर्माण करती हैं, साथ ही साथ ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती हैं, सेल प्लेट का निर्माण करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंग इसको माना जाता है।